झारखंड में चौथे चरण में 13 मई को लोकसभा का चुनाव है। अगर देखा जाए तो बस चंद घंटे रह गए हैं मतदान शुरू होने में, और इससे ठीक पहले देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि झारखंड की सभी 14 के 14 लोकसभा सीटों पर उनकी जीत होगी। लेकिन अगर हम गौर करें 13 मई को देखिए 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, जो कि खूंटी, लोहरदगा, चाईबासा, पलामू। और अगर इन 4 लोकसभा सीटों को देखें तो यहां पर बीजेपी का दबदबा है। एक सीट जो कांग्रेस के पास थी वो भी बीजेपी को चली गई। तो देखिए चंद घंटों में मतदान शुरू होना है, और उससे ठीक पहले झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। और भी क्या कुछ कह रहे हैं चंपई सोरेन, जरा आप सुनिए। 14 की 14 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन का जीत निश्चित है, और ये झूमला झूठ बोलने वाला राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी नकार दिया जनता ने। पूरा इंडिया गठबंधन पूरा देश में लहर है, और भारतीय जनता पार्टी 150 भी नहीं पार करेगा।